तो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर चैनल EDUCOM में। तो अगर आज के वीडियो में बात करने वाले हैं स्पेशल एनवायरनमेंट के ऊपर, तो थंबनेल और टाइटल का पहचान करेंगे कि आज हम किसके में बात करने वाले। यस दोस्तों, हमारे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है, मीन ये तो पूरे टेक्स्ट बुक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम पे, इसका बहुत बड़े मायने रखता है। तो वीडियो में आपको बता दूंगा कि क्या मायने है इसका, क्या लोगों को पता चल रहा है कि एनवायरनमेंट क्या चीज है। ओके, तो इस टॉपिक का नाम है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेचुरल एनवायरनमेंट। एक एनवायरनमेंट की तरफ से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए बिजनेस को, देखो बिजनेस के पढ़ते हैं। ओके, एंड एज ए ह्यूमन भी मैं आपको इस टॉपिक में बता दूंगा। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि अपना वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे नजदीक आ रहा है। ओके, मीन्स 5 जून को ही है। ओके, अगर आप वीडियो उसके बाद देख रहे हो तो आप जान लीजिए कि अब हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, गुड फॉर नॉलेज। एंड अगर उसके पहले देख रहे हो 5 जून के, तो बहुत अच्छी बात है। आज की वीडियो पूरा देखिए, बिकॉज बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो है ये, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने मिलने वाली है, बहुत अच्छी चीज मैं आपको अपने पर बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। देखो पहले मैं टेक्स्ट बुक के अंदर क्या क्या बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये चीज बताया कि क्या इन्फ्लुएंस है एनवायरनमेंट की तरफ से, मीन बिजनेस क्या कैसे यूज करता है। फर्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करता है, उसको निकालता है वहां नेचुरल से, देन अपने लिए यूज करता है। सेकेंड थिंग, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्स वो यूज कर रहे हैं वो इम्प्रॉपर तरीके से यूज कर, जिससे एनवायरमेंट को भी हार्म हो रहा है एंड वो अपने नेचर को भी बर्बाद कर रहे हैं। ओके, ये दो गलत चीज। देन थर्ड क्या, जनरेशन ऑफ वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट्स। ओके, मीन जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो जनरेट कर रहा है, बट ये नहीं सोच रहा कि अब इसका करना क्या है, हम इसको डिग्रेड कैसे करेंगे। ठीक है, ये चीज नहीं सोच रहा है, क्योंकि तीन मेन प्रॉब्लम है इससे एनवायरमेंट को बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। ये इफेक्ट किधर पड़ रहा है, सबसे मेन चार्ज में इफेक्ट पड़ रहा है। क्या वो क्या चार्ज है, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन किस किस के कारण होता है, एक जो इंडस्ट्रीज होती है उनके कारण होता है, व्हीकल्स के कारण होता है। ओके, ये खास दो ही चीजें है, जो दो ही मेजर चीजें है, बाकी एयर पोल्यूशन की हमारे कंट्री में ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अलावा। ये इंडस्ट्री बड़े बड़े एंड कार्स एंड जो गाड़ियां चलती है उनके कारण, ये दो चीजें कारण एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा मायने में पड़ता है। एंड इस पर हमने ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, इससे बहुत बड़ी तकलीफ पड़ती है। ठीक है, देन अक्स पर वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन में जो इंडस्ट्रीज, ये तो इनके कारण इंडस्ट्रीज एंड ह्यूमन खुद इसके ऊपर एग्जाम डालनी चाहिए कि वाटर पोल्यूशन हम ही करते हैं। ठीक है, जैसे भी आप यहाँ पर एक यहाँ पर देख सकते हो ये इमेज, ये क्या चीज, क्या ये अभी रिसेंटली का इमेज है, जहाँ पर हमारे यहाँ ये वेव्स आए थे, बड़े बड़े वेव्स आए थे, फ्लड्स हुआ था, जितना भी सारा कचरा था ये सारा अपने को रिटर्न आ गया। ये कचरा ये क्या नेचर का नहीं है, ये प्लास्टिक की बॉटल्स है, ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर कचरे दिख रहे प्लास्टिक से, ये क्या ये नेचर ने बनाया, नहीं ये हम लोग ने बनाया है, और हम लोग डाल के नदी में डाल दिया, क्योंकि इधर ओशन में डाल दिया, क्योंकि वहां पर रहता नहीं इंसान, तो किसको तकलीफ है, तकलीफ है यहाँ पे फिशेस रहते हैं। और नेचर हम मानते हैं, यस हम जो पहले जो बड़े बड़े लोग थे, राइटर्स थे, वो लिख के गए कि नेचर भी एक लिविंग थिंग है। यस मानो बात को, नेचर भी लिविंग थिंग है, नेचर इतना शांत है ना, अगर उसको भड़का दिया लास्ट में एक आपको स्प्रिट लाइन बोलने वालों जरूर सुनेगा, वो सुन के मेरे को फटाफट कमेंट करिए वही लाइन मैंने क्या बताया आपको, तो और भी लोग अच्छे से यहाँ पर जान सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा आप इससे दे सकते हैं। ओके, तो ऐसा मत करो, ये आपको रिटर्न गिफ्ट मिला है और कुछ भी नहीं, बस इंसान को ही इसे साफ करना है। ठीक है, ये हुआ वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन। अब साउंड पोल्यूशन बोले गया, साउंड पोल्यूशन क्या क्या है, ये व्हीकल से साउंड पोल्यूशन निकलता है, प्लस इंडस्ट्री में जो इतनी खाट कुट चलती है माइनिंग के टाइम पे। ओके, तो ये साउंड पोल्यूशन हो गया। एंड उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज। ओके, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट परचेस को, जैसे मोबाइल फोन हो गया, देन आप घर पे कितनी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स रहेगी, तो उनके पैकेजिंग पे आप एक सिंबल देखोगे, जहाँ पर एक बंदा कूड़ेदान में डालता रहेगा एंड वहाँ पे क्रॉस मार्क किया रहेगा, डस्टबिन में डालते हुए वो क्रॉस मार्क किया। इसका मतलब क्या, आपको ये चीज डस्टबिन में नहीं डालनी है, वो चीज को प्रिवेंट कर रहे, वो कंपनी वाला, वो ब्रांड वाला उस चीज को प्रिवेंट कर रहा है। ओके, वो सिंबल कुछ ऐसा दिखने वाला, देखो ऐसा सिंबल आपने देखा है बहुत सारे प्रोडक्ट पे, देखा रहेगा ऐसा सिंबल। ठीक है, तो ये सिंबल आपको ध्यान में रखना है कि ये चीज आपको उसके अंदर नहीं फेंकनी है, ये गार्बेज नहीं करना है, भले ही घर पे जो साइड पे रख दो, या फिर रीयूज करो, रिसाइकिल करो, या फिर किसी स्क्रैप वाले को बेच दो, कुछ तो ऐसा करो, ऐसी कंपनी को रिटर्न भी दे दो। यस, आपको पता है कुछ भी CFL बल्ब हो, LED बल्ब हो, किसी एक साल की दो साल की गारंटी रहती है, वारंटी रहती है, इसका मतलब क्या, अगर जब भी 2 ईयर्स के अंदर आपका वो बल्ब चले जाते हैं, तो बल्ब रिटर्न ला के देते हो, रिटर्न ला के देते हो कि ये 1 ईयर के अंदर ये चीज हमें बदली करके मिलेगी। आप शॉपिंग पे जाता हूँ, तो अरे ये 1 ईयर का डेट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंदर ये तो चला गया, मुझे रिटर्न नया चाहिए। ठीक है, शॉपिंग पर आपको वही डेट डाल के रिटर्न आपको दे देगा, लेके अब वो जो बल्ब है उसका कंपनी क्या करेगा, या फिर उसको रिपेयर करेगा, या फिर उसको अगर वो नई चीज है तो उसको तोड़ के कुछ नया करेगा, उसको ठीक करेगा और उसको फिर सेल करेगा। सीधी सी बात है, यही चीज यहाँ पर होने वाली है।
ठीक है, तो ये इफेक्ट पड़ते, ये इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ने चाहिए, इसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इस चीज का। इसके लिए अभी इलेक्ट्रॉनिक कार आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स आ रही है, ये तो मेरी बहुत फेवरेट चीज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कार्स एंड बाइक बहुत अच्छी चीज है, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा सेफ रहेगा। अब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी ऐसे ही चार्ज करो जो इलेक्ट्रॉनिक भी इन्वायरमेंट से बने, सोलर चीज से बने, तो सोलर की भी गाड़ी निकल जाता, अरे वाह मजा आने वाला है, ठीक है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। फिर अपना सबसे मेन चीज बता दूंगी कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इस चार चीज को, ये जो हमारा एनवायरमेंट बिगड़ रहा है उस चीज को। चार पॉइंट है, फर्स्ट का फोर आर मंत्र बोलते हैं, फोर आर्स बोलते हैं इसको, रिडक्शन रीयूज रिसाइकलिंग एंड रिकवरी। रिडक्शन मीन्स अपने को वो चीज हटानी है, वो चीज रिड्यूस करनी है जो ज्यादा से ज्यादा वेस्ट दे रही है, वो चीज हमें कंप्लीट हटानी है, उसमें कुछ नया लेके आने का। तो जैसे कि हमारा पेट्रोल वाली गाड़ी, वो बहुत ज्यादा रिडक्शन दे रही है, पॉल्यूशन को बर्बाद कर रही है, अपना पॉल्यूशन गंदा हो रहा है, मीन्स क्या अच्छा चीज रिड्यूस हो रहा है, प्लस पेट्रोल भी, पेट्रोल की थोड़ी कमी हो रही है, ठीक है, बहुत पेट्रोल है, बस आने वाले समय में पेट्रोल कम हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल को बनने के लिए बहुत समय लगता है, ठीक है, ये चीज भी यहाँ पर कम हो रही है, उस सब को ध्यान में रखते हुए एक इलेक्ट्रॉनिक कार बनेगी जिसका कुछ कमी होने वाली, बैटरी चार्ज करो और चलाओ, ठीक है। रीयूज, रीयूज के मामले में तो अपना इंडिया सबसे बड़ा आगे है, मेरे को एक चीज में सबसे ज्यादा लगता है बॉटल, ओके, ये जो आती है ना मिरिंडा की बॉटल, माजा की बॉटल, डैनी कोको कोला की बॉटल, ये बॉटल पीने के बाद में जब हम यूज करते हैं, इसको ड्रिंक कर लेते हैं, पी लेते हैं, तो उसके बाद इसको फेंकेंगे नहीं, ये इंडियन वालों को क्या देते हैं, इसमें असली इंडियन पहचाने जाती है, ये लोग फेंकेंगे नहीं इस चीज को, क्या करेंगे इसको अच्छे से धो के, इसको 6 महीने तक इसमें पानी भर के ऑफिस लेके आएंगे, स्कूल कॉलेज जहाँ पे लेके जाएंगे, बाहर जाने बाहर लेके जाएंगे, मेहमानों को पानी पिलाएंगे, इसके अंदर नहीं फेंकेंगे। तो सबसे अच्छी चीज ये रीयूज के लिए और होनी भी चाहिए, भले हम 20 वाली बॉटल बाहर भी खरीदे 10 वाली, ओके, तो भी घर में लेके आएंगे, हाँ भाई काम आएगी बॉटल के लिए, ओके, बहुत अच्छी सोच है इंडियंस की, रीयूज के सबसे बेस्ट चीज है ये, तो ठीक है। रिसाइकलिंग, उस चीज को रिसाइकल करो, ठीक है, रिसाइकल करना। अब जैसे कि आप सबको पता है कोई भी मोबाइल खराब हो जाता है, तो कोई भी खराब मोबाइल किसी कंपनी में पहुंचता है, वो उस चीज को फेंकता नहीं है, उसको रिसाइकल करता है, उसी मटेरियल को, उसी प्रोडक्ट को, कुछ जो वेस्ट है उसको हटा देगा, थोड़ा सा साइड पे रखेगा, उसको रिपेयर करेगा, आप फिर उसको डिस्पोजल कर देगा, फिर उसको कुछ तो करेगा, ठीक है, बट उसको रिकवर करके, उसको रिसाइकिल करके उसको नया बनाएगा। एंड आपको पता, आपकी जो फेसबुक के पेजेस होते हैं, नोटबुक्स होती है, उस जो नोटबुक्स होते पेपर होते हैं, उनको अच्छे ब्लीच किया जाता है, जब वो फैक्ट्री में आगे फिर उनको ब्लीच होता है, ब्लीच उनको उससे नया पेपर बनाया जाता है, ठीक है, ये भी, बट ये पेपर ज्यादा टाइम चलता नहीं, बहुत कम टाइम पे चलता है, ओके, जो फ्रेश पेपर रहता है वो ज्यादा टाइम चलता है। रिकवरी, फोर्थ पॉइंट आता है, फोर आ रहा था आपके रिकवरी, तो चीजों को रिकवरी करना एकदम अच्छे से आना चाहिए, कि कैसे रिकवर करना है इस चीज को, ये चीजें है हमारे पास खत्म हो चुकी, अब इसको हमें रिकवर करना है, ओके, तो ऐसी जो चीज आपको ये चार मंत्र, चार आर्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ओके। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि एनवायरमेंट एक्चुअल में क्या, आज के टाइम पे 2021 में आपको मालूम रहेगा कि एनवायरमेंट ने हमारा क्या हाल कर दिया है, ओके, 2020 की सबसे बड़ी हिस्ट्री बनने वाली है आगे आने वाले समय में, COVID-19 जो इस पूरी धरती को, पूरी दुनिया को रोक टोक से, तबाही से हम पूरा बर्बाद कर दिया है, इस चीज को क्या करेंगे, ओके, एक साल हो गया लॉकडाउन चल रहा है, खाने को ठीक से नहीं, काफी गरीब मर चुके हैं, लोग कोविड से मारे जा रहे हैं, ओके, और आज के टाइम पे जो सेकेंड वेव आया है कोरोना का, कोविड का, ओके, इससे तो लोग ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। अब मेरे को आप बताओ, जनरल से स्मॉल से क्वेश्चन बचपन से पढ़ते हुए, ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, ट्रीज से मिलती है, अब इन्होंने ट्री रखे ही कहाँ है ज्यादा, 90s का समय था, 1990 से 2010 का समय था, जहाँ पर अब इंडिया में बहुत से ज्यादा सारे ट्री थे, और आज 2020 का समय में जिसके हाफ हो गए ट्री, अभी इतने ट्री कट कर दिए गए है, वो जगह से हटा दिए गए, वहां पे कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है, इंडस्ट्री सेटअप कर दिया गया है, क्या करने के सब चीज का, ये क्या सब चीज सही है, बिल्कुल सही नहीं है। आज जो चीज हमें फ्री में मिल रही थी, ओके, 2010 तक 15 तक हमें जो चीज फ्री में मिल रही थी, आज वो चीज हमें पैसे दे के खरीदनी पड़ रही है, वो भी तड़प के खरीदनी पड़ रही है, वो भी चीज नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन, ये दोस्तों ऑक्सीजन जो ये चीज आपको ट्री से मिलती है नॉर्मली, अब वो आपको ये सिलेंडर में मिल रहा है, क्या हाल हो गया, ये सब किसी ने नहीं किया, ये सब हमने खुद किया है, बोलते ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ये वाला काम आप लोग ने किया है, मीन जो हमारे हम ह्यूमंस ने किया है। तो प्लीज मैं बोलता हूँ आप लोगों को, एनवायरमेंट सेव करो, ज्यादा कुछ वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर आप कुछ वेस्ट भी नहीं करो तो उसका वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट करो, ठीक है। अब आज मेरे पीछे ग्रीन स्क्रीन आप देख रहे हो, ये जो मैं बना रहा हूँ, ओके, ग्रीन इस पे बना रहा हूँ, ग्रीन बोर्ड बना रहा हूँ, मैंने कोई ग्रीन कपड़ा नहीं खरीदा, हमारे पास मीन जो हमारा क्लासेस है, ओके, उसमें ग्रीन कलर का बोर्ड पड़ा था, बोर्ड नहीं,
सरमाई का बोर्ड हार्डनर बोर्ड बोलते हैं, ओके, हम फर्नीचर में यूज करते हैं, ओके, कपबोर्ड वपबोर्ड में यूज करते हैं, हार्डनर बोलते हैं, ओके, वही बोर्ड ग्रीन कलर का था, वही हमने बैकग्राउंड में चिपकाया। तो अभी मैं लास्ट के वीडियो में बता देता हूँ मैं कि क्या बोर्ड है हमारा वो, तो वो वीडियो हटा दूंगा मैं, क्या बोर्ड है हमारा वो, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ एनवायरमेंट थोड़ा संभाल के रखो। एंड जैसे कि वाला मिशन मैंने आपको पहले ही बताया वाटर का, क्योंकि जो भी सी थे हमारे सी के अंदर जितने भी थे वो रिटर्न आ चुके हैं। देन आपको बता रहेगा कि ये वाला एरिया में पूरा जो गटर का पानी था, गटर का जो कचरा था, वो एरिया के अंदर फुल हो गया, एक घर घर के अंदर शॉप शॉप के अंदर ये गंदा पानी जा रहा है। ये वीडियो आपने देखी भी रहेगी, मैं भी सोशल मीडिया पर, ओके। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही है, वो सबको ध्यान में रखते हुए थोड़ा ध्यान दीजिए। आप अब यूथ है, तो यूथ अगर आप अभी से कुछ करोगे तो आगे उसको अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना रहेगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे टाइम ऑफ लेक्चर्स एंड एजुकेशन अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो अभी आपको बता रहा हूँ कि मेरा स्क्रीन कैसा है। तो देखो ऐसा स्क्रीन है, ये खाली मेरे पीछे ग्रीन बोर्ड है, कोई कपड़े वपड़ा नहीं है, ओके, आप आवाज सुन सकते हो। ये खाली बोर्ड है, हार्डनर का बोर्ड है, क्योंकि आपको मालूम है कि आप घर पे फर्नीचर भी यूज हो रहे हैं, बस वही चीजें मैंने यहाँ पर लगा दिया है। मैं यूज करो उस चीज को, मैंने कुछ ज्यादा वेस्ट नहीं किया, और ये जो चीज मेरे लिए वेस्ट ही थी, ऐसी पड़ी थी, बस मैं यूज किया। मुझे बहुत खुशी इसको यूज करने में, क्योंकि ये भी वुड से बना हुआ है, ट्री से बना हुआ है, क्योंकि मैंने इसको फेंककर कोई गलत काम नहीं किया। मैं आज अपने वीडियोस के लिए आज मैं एकदम प्रोफेशनल इस चीज को यूज कर रहा हूँ, बहुत खुशी मुझे चीज की है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज प्रिवेंट करने पे। ओके चलो बाय बाय।